निवेदन करती हूँ कि कृपया दादा साहेब फाल्के मिथुन चक्रवर्ती करने के लिए आगे पधारें। भारत वर्ष तथा पृथ्वी विख्यात एक सिनेमा स्टार जिनी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पश्चिम बंगे कलकाता थेके कलकाता एक गली थेके बेरिए आज के सिनेमार सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार नीते जाच्छेन माननीय राष्ट्रपति ताराते पुरस्कार तुले देवें एक ऐतिहासिक मुहूर्त एवं मिथुन चक्रवर्ती आज तार प्राप्य सम्मानटुकु পেলেন এটাই বলা যাবে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাননীয় রাষ্ট্রপতি তার উত্তরীয় পরিয়ে দিলেন তাকে এবং লোকনামা তুলে দিলেন। আজকের দিনটি খুবই ঐতিহাসিক দিন এবং খুবই গর্বের দিন বাঙালি হিসাবে। আজকে দিনটি খুবই স্মরণীয় কারণ বাঙালি বাংলার এক সন্তান প্রীতি সন্তান সিনেমার সর্বোচ্চ সম্মান নিয়ে বাড়ি ফিরবেন। মিঠুন চক্রবর্তীর জীবনী খুবই স্ট্রাগলিং, উনি জীবনে খুব সহজে সব কিছু পায়নি, সব কিছু পাওয়ার জন্য তাকে স্ট্রাগল করতে হয়েছে। উনি পুরস্কারটি হাতে তুলে নিলেন, এবার তিনি কিছু বলবেন তার কিছু কথা। এই পুরস্কার পাওয়ার পর তিনি কীরকম ফিল করছেন আপনারা তার কথা শুনুন। সবসে কঠিন কাম আওয়ার লো চলে যাও ঘর তালি মারেঙ্গে আপ বলেঙ্গে স্পিচ ভি তো মাই গড ডায়লগ দিতে তো কিতনে আসানি সে পড় লেতা হুঁ ভুল দেতা হুঁ আপকে আর কোই কাগজ নেই কুছ নেই क्या बोलूंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माय रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, माय रेस्पेक्टेड मिनिस्टर एंड ऑल द बेस्ट पीपल, रेस्पेक्टेड पीपल ऑन डायस, रेस्पेक्टेड पीपल इन द ऑडियंस एंड माय कोलीग्स, बस इतना ही कहूंगा कि इस मंच पर मैं पहले 3 बार आ चुका हूं आप लोगों की दुआ से। लेकिन सबसे पहली बार जब मिला था नेशनल अवार्ड उसके इतने किस्से हैं, कुछ किस्से मैंने बताए और कुछ किस्से मैंने बताए नहीं। तो मैंने सोचा ये दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आई विल टेल यू दैट आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट नेशनल अवार्ड व्हाट हैपेंड टू मी। वेल आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट नेशनल अवार्ड तो नेचुरली लोगों के कहने लगे कि यो माय गॉड यू नो यू गॉट नेशनल अवार्ड। तो मेरा ब्रेन थोड़ा खराब होने लगा था थोड़ा थोड़ा कि कुछ बहुत कुछ बड़ा कुछ कर दिया हूँ। एनीवेज उस समय फिर कहा गया बॉम्बे लैब था वहाँ एक स्क्रीनिंग रखा गया कि जिसमें मैं गया दिखने के बाद अगर पसंद आए तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो मैं भी पहुँच गया। आई थॉट के आफ्टर सीइंग द फिल्म दे मे लाइक मी दे मे टेक मी। After seeing the film, I can't take his name because he's no more. Because he's no more, I'm saying this because before that, he was alive. If I would have said, then you would have understood that मेरे कोई बोल रहा है ये। तो इसलिए आज तक बोला नहीं, पहली बार बोल रहा हूँ कि स्वर्ग लोग चले गए हैं। तो after finishing the film, बाहर आए, तो I was walking along with him and I asked him, sir, picture कैसी लगी? बोलते बेटा पिक्चर अच्छी लगी, तुम भी कमाल के एक्टर हो लेकिन तुम कपड़े पहन के कैसे लगोगे। मैं एक मिनट के लिए चौंक गया कि मैं उनके सामने बगैर कपड़े के खड़ा हूं, क्यों सवाल किया। बाद में याद आया हो मैंने जो रोल किया था वो एक आदिवासी का था जिसमें ऊपर मेरे कपड़े ही नहीं थे, तो इसीलिए सोच रहे थे कपड़े पहन के बाद ये कैसा लगेगा तभी इसको फिल्म में लूंगा। सेकेंड इंसिडेंट हुआ, ये नेशनल अवार्ड मिलने के बाद दिमाग तो खराब हो ही गया था। मैं अपने आप को एल पाचिनो
करने लगा। मैं रियली मैं सोचा था मैं कुछ कमाल कर दिया, तो मेरे सारे एटीट्यूड चेंज हो गए है ना। मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाके आके ऐसे बैठता था, कभी कभी यूज करता था कि प्रोड्यूसर मुझे दिखता था क्यों कर रहा है ये सब, और उसको नहीं मालूम था कि मैं अल पाचिनो की तरह एक्टिंग कर रहा हूं। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं पूछता था कि एक काम करना, वो फिल्म की स्टोरी मेरे घर में भेज देना। फिर एक तीसरा प्रोड्यूसर को लगा ये कुछ जबरदस्त, मारा एक लात मुझे, बोले निकल यहां से। उस दिन से मैं अल पाचिनो से गाल पाचिनो हो गया। मैं समझ गया कि मुझसे गलती हो गई, अब मेरे को कोई काम वाम नहीं देगा, क्योंकि द बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरे साथ जो था, एक्टर तो सबने मान लिया था बिकॉज ऑफ माय कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि लोग बोलता था अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में ये काला रंग नहीं चलेगा तो तुम क्या कर रहे हो इधर, तुम वापस जाओ। तो मैं रास्ते में जाता था ये कालिया, जितने जितने हो सके आप यू कैन अंडरस्टैंड, अपमान जितना हो सके। तो मैं सोचने लगा मैं करूँ क्या, मैं भगवान से पूछता था कि भगवान कि मेरा ये रंग तू चेंज नहीं कर सकता, लेकिन नहीं चेंज कर सकता था भगवान। तो मैं सोचने लगा करूँ क्या, तो मैंने सोचा तो मैं तो डांस कर सकता हूँ, तो मैं डांस कर सकता हूँ, तो मैं ऐसा डांस करूँ मेरे पैरों से ताकि लोग मेरे पैरों को देखे, मेरे स्किन को ना देखे, मेरे कलर को ना देखे। और मानिए मैंने एग्जैक्टली वही किया। आप मेरी फिल्म देखिए, सब फिल्मों में पैरों से डांस किया, पैर को थिरकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया कहीं भी, और लोग मेरे रंग को भूल गए और मैं बन गया सेक्सी डस्की बंगाली बाबू। मैं बहुत शिकायत करता था भगवान से, बहुत, क्योंकि मैं माय लाइफ इज नॉट ए ऑन प्लेटर, जो कुछ भी मुझे मिला है स्ट्रगल करके मिला है, आई डिडंट गेट इट जस्ट लाइक दैट। तो मैं भगवान से कहता था तूने नाम दिया शोहरत दी, फिर इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, हर चीज में क्यों तकलीफ। बहुत शिकायत करता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही सोच रहा था कि शायद यही तरीका होगा, लेकिन नहीं, ऐसा तरीका नहीं था। आज ये अवार्ड मिलने के बाद मैं शिकायत करना छोड़ दिया। मैंने कहा थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू बुरो शिव, थैंक यू दानी बाबा, थैंक यू भद्रो लोग। मेरे कलकत्ता में निमतला से एक पुराना सा मंदिर है जहाँ एक 10 फीट ऊंचा एक शिवलिंग है, जहाँ सीढ़ियों से चढ़ के जाके पानी देना पड़ता है। मैं कितने साल मुझे याद नहीं, मैं उनकी सेवा किया, तो उनको मैंने कहा थैंक यू, अब मैं शिकायत नहीं करूँगा, क्योंकि आपने मुझे सूद के साथ सब कुछ वापस कर दिया है। मुझे मालूम है अगर ये मैं नहीं कहूंगा तो यहाँ जितने हैं, यहाँ जो सारे हैं ना बैठे हुए इधर, इन लोगों ने कहा कि दादा आपको जो कुछ भी कहे, लेकिन आपको ये कहना जरूरी है, ये जो यंग लड़के लोग आ रहे हैं फिल्म लाइन में, उनको आप क्या कहना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे देश में बहुत से टैलेंट है, बहुत से टैलेंटेड लड़का लड़की, लेकिन पैसे नहीं है उनके पास, मेरी तरह दे डोंट हैव मनी। लेकिन मैं उनको कहूंगा हिम्मत नहीं हारना, पैसा नहीं भी हो हिम्मत नहीं हारना, और सपना जरूर देखना, सपना जरूर देखना, लेकिन इतना याद रखना खुद सो जाना, लेकिन सपनों को कभी सोने नहीं देना। क्यों? इसलिए
अगर मैं बन सकता हूं तो तुम सब बन सकते हो। थैंक यू सो मच।